मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास आए। उस वक़्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया कि ये कौन है। मैंने अर्ज़ किया फलां औरत और इसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उकताए इसे अंजाम दे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 जनरल मैथ के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है SP और दो चीज़ें हमने गिवन है, CP और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि दो चीज़ में ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। आप देख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में CP भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास CP आपके पास 950 है मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 950 मल्टीप्लाई 110 बाय 100। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 950 मल्टीप्लाई 110 बाय 100। तो ये आपके पास आ गया है 1045, यानी कि आपके पास जो SP थी वो है 1045 और ये आपके पास आंसर है। इसी के सेकंड पार्ट में हमारे पास एक फार्मूला ऐसे ही है, बस यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले प्लस प्रॉफिट लिखा था अब यहाँ पे हम माइनस लॉस लिखेंगे, यानी कि SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ प्लस प्रॉफिट था, यहाँ माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो बस वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जाएं। आपके पास CP गिवन है 1540 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 1540 मल्टीप्लाई 95 बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 1540 मल्टीप्लाई 95 बाय 100। तो ये आपके पास अब SP आ चुका है 1463 और ये आपके पास आंसर है। फॉर्मूला लिखूँगा, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज़ की एंट्री करते जाएं, CP आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 9600 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी चीज़ को ऐसे करते हैं, 9600 मल्टीप्लाई बाय 1110 बाय 100। तो ये आपके पास नेक्स्ट आंसर है 10560। तो अब आपके पास SP जो निकला है वो है 10560। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। बस आप एक ट्रिक याद रख लें कि इसी फार्मूले में अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम उसको प्लस करेंगे और लॉस होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। तो CP आपके पास आ गया 12600 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 12600 मल्टीप्लाई 95 बाय 100। तो अब आपने इस आंसर को बस देखना है, 12600 मल्टीप्लाई बाय 95 बाय 100। तो अब आपके पास आंसर है 119700। तो ये आपके पास SP का आंसर है 119700। क्वेश्चन,
एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ फार्मूला आपके पास आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई 103 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई 103 बाय 100। तो ये आपके पास आ गया है 494.4। तो एस पी हम लिख देते हैं 494.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सी पी आपके पास आ गया है 70, सी पी आपके पास 760 है। तो 760 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 760 मल्टीप्लाई 96 बाय 100। तो बस इसको भी अप्लाई करें, 760 मल्टीप्लाई बाय 96 बाय 100। तो ये आपके पास आ गया है 729.6, यानी कि आपके पास जो एस पी है वो 729.6 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। हारिस परचेज आ कार 240,000। परचेज्ड आ कार 248,000। स्पेंट ऑन डेंटिंग एंड पेंटिंग पर उसने लगाया था 12,000 और उसे प्रॉफिट हो रहा है 5%। अब वो ये कह रहा है व्हाट डिड कस्टमर पे टू हारिस। बेसिकली हमने इसमें फाइंड करना है सेल प्राइस। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं टोटल सीपी, यानी कि अगर उसने एक गाड़ी को 248,000 में ख़रीदा और उसके ऊपर 12,000 रुपये का उसने उसके ऊपर काम करवाया, तो इसका मतलब जो उसका टोटल ख़र्चा हो गया वो हो गया 260,000। तो अब हम एस पी का फार्मूला लगाते हैं, एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जाएं, बस एस पी अब आपके पास आ गया है 260,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 260,000 मल्टीप्लाई 105 बाय 100। तो बस इस पर कैलकुलेटर को अप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 105 बाय 100। तो ये अब आपके पास आ गया है 273,000, यानी कि जो आपके पास एस पी थी कस्टमर पे टू हारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पी का भी एक डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, एस पी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो बस आप वैल्यूज को इस फार्मूला में एंटर करते जाएं आप लोग। जैसे अब आपके पास एस पी है 672 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आपके पास आ जाएगा 67200 डिवाइडेड बाय 105। तो यहाँ से हम इसको सी पी निकाल लेंगे, 67200 डिवाइडेड बाय 105। तो ये आपके पास जो सी पी है वो आ गया 640 एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पी इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। जैसे यहाँ प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस हो तो उसी चीज़ को हम माइनस कर देंगे लॉस परसेंटेज। तो बस वैल्यूज को एंटर करें, एस पी आपके पास है 851 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज 8। तो ये आ गया 851,00 डिवाइडेड बाय 92। तो अब आपके पास सी पी आ गया 851 डिवाइडेड बाय 92। तो ये आपके पास आ गया 920
फाइव, यानी जो आपके पास सीपी है वो आ गया 925। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमने सीपी ही को फाइंड आउट करना है, तो पहले सीपी का फार्मूला डाल लें। सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो वैल्यूज को एंटर करें, हमारे पास जो एसपी है वो आपके पास है 1755 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये 12 वन बाई टू, ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी कि 0.5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5। तो ये 175500 डिवाइडेड बाय 112.5, तो इसको डिवाइड कर दें, ये आपके पास डायरेक्ट सीपी निकल आएगा। इसको अप्लाई करें, 175500 डिवाइडेड बाय 112.5, तो ये अब आपके पास आ गया 1560। सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। वैल्यूज को एंटर करते जाएं, एसपी आपके पास है 2640 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज यानी के 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 264000 डिवाइडेड बाय 88। तो यहाँ से आप सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को बस एंटर कर लें, 264 डिवाइडेड बाय 88, तो ये आपके पास आ गया 3000। एज इट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी का फार्मूला आपके पास होता है सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो वैल्यूज को एंटर करें, एसपी हमारे पास आ गया है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 33.5, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 133.5, तो ये आपके पास सीपी निकल आया है 133.5, तो ये आपके पास है 74.9। अगर इसको आप राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 75 भी हो सकता है, दोनों आंसर है, जो मर्जी लिख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर कैन अ प्रॉफिट 7% बाय यूजिंग अ डिनर सेट बाय सेलिंग अ डिनर सेट RS385। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करते हैं, इसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास प्रॉफिट इसमें आ रहा है 7%, और उसने इसको जो बेचा था वो आपके पास कितने में बेचा, 3852। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी सीपी को फाइंड आउट करते हैं। तो सीपी का फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। वैल्यूज़ को एंटर करते जाएँ, एसपी आपके पास है 3852 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 7, तो ये आपके पास आ गया 385200 डिवाइडेड बाय 107। ये आपके पास आ गया है 385200 डिवाइडेड बाय 107, तो ये आपके पास आ गया है 3600, यानी कि आपके पास जो सीपी थी वो 3600, यानी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 3600 थी। तो अब हम अगर नेक्स्ट डेटा लिखते हैं, यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 3600, और इसने जब उसको दोबारा बेचा तो कितने में बेचा, एसपी आपके पास है 4050, और वो हमें कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिख के देता हूँ, कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब अगर हम सबसे पहले देखें फार्मूले में हमें प्रॉफिट चाहिए, तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि अगर हमने इसको 4050 रुपये में बेचा और ख़रीदा 3600 में था, तो इसका मतलब हमारे पास 450 रुपये प्रॉफिट निकल आया। पूरा फार्मूला लगाएं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आपके पास आ गया 450, सीपी आपके पास था 3600, और 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास
प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 450 बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 12.5% और ये आपके पास आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्लास 9 जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके तमाम चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक भी डाल दूंगा, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। और आखिर में इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट पे भी जाकर चैप्टर नंबर 3 के अलावा भी अगर आपने कोई एक्सरसाइज देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक कमेंट और शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।